नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान के खास पेशकश मुख्यमंत्री में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। श्रद्धा हमें सही राह पर लाती है और संयम हमें पथ भ्रष्ट होने से रोकता है। तभी धर्मनिष्ठ आदमी सन्मार्ग से विचलित नहीं होता, तमाम मुश्किलों को मात देकर अपनी मंजिल पर पहुंचकर ही दम लेता है। ये बात प्रदेश के मुखिया भजन लाल शर्मा पर पूरी तरह लागू होती है। उनकी तरक्की में पार्टी के प्रति निष्ठा और कड़ी मेहनत के अलावा ईश्वर की भी असीम कृपा रही, जिसके दरबार में वो समर्पित भाव से हमेशा खड़े रहे। व्यक्ति विशेष में आज बात मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के साधना पथ की। जिसके नाम की जय जयकार हो रही हो, जिसे देखने के लिए लोग पलक पावड़े बिछाए खड़े हों, वो हस्ती मुख्यमंत्री मनोनीत होने के बाद अपने आराध्य के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंच जाए तो लोग चौंक जाते हैं, उस मंदिर के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। भजन लाल शर्मा जब सांगा बाबा मंदिर पहुंचे तो ऐसा ही हुआ। इस रिपोर्ट में देखिए। श्रद्धा से झुका सिर और विनम्रता में बंधे हाथ, जिस शख्सियत को आप देख रहे हैं वो आज भले ही किसी परिचय का मोहताज ना हो, लेकिन जब इन्हें आम से खास होने की खबर मिली, उस वक्त अपने नाम की जय जयकार छोड़कर अपने आराध्य की शरण में पहुंचना और उसके प्रति आभार व्यक्त करना वाकई विलक्षण था। दुख में भले ही लोग ईश्वर को याद करें, लेकिन सुख में उसे याद करने वाले बहुत कम होते हैं। वर्षों की साधना जब सफल होती है, पार्टी का आम कार्यकर्ता प्रदेश का मुख्यमंत्री मनोनीत कर दिया जाता है, तो अधिकांश लोग कामयाबी के जश्न में मशगूल हो जाते हैं। जिसकी कृपा से उन्हें कामयाबी मिलती है उसे भूल जाते हैं। लेकिन ये सूबे के मुखिया भजन लाल शर्मा है, जो प्रदेश की सबसे बड़ी कुर्सी हासिल करने के बाद अपने आराध्य का नाम लेते, उसका आभार व्यक्त करते नहीं थक रहे थे। भजन लाल शर्मा ही नहीं, उनके तमाम परिजन भी ईश्वर का आभार व्यक्त कर रहे थे। बेटा जब सीएम बन गया तो भावुक मां ने हाथ जोड़कर समाज के आशीर्वाद को माथे से लगाया, तो भाव में डूबे पिता ने इसे ईश्वर की कृपा बताकर हाथ जोड़ दिए। राजस्थान भगवान सब दया है भगवान जी। क्या कुछ करना चाहिए उनको, आपने को क्या आशीर्वाद दिया? अब जो भगवान आशीर्वाद भगवान के को सब हम तुम सब भगवान की कहे तो सब काम कर रहे हैं। हाँ, सब बढ़िया काम कर रहे हैं, एकदम फर्स्ट क्लास। जनता आनंद करना चाहिए, जनता खूब। हाँ, जनता खूब। और वो पीटर बहुत नाम थे 30 वर्ष की राजनीति। हाँ, क्या आपने कभी सोचा था साधारण परिवार ऐसे मुख्यमंत्री पद तक पहुंच जाए? देख भैया, ना बताओ, भगवान के ऊपर लीला है, लीला है भगवान की। हाँ, पूरे राजस्थान की, जैसे राजस्थान ने उसके साथ प्यार निभाया ऐसे आपको प्यार निभाना, जनता को प्यार। आज आपसे मिलकर गए, क्या आशीर्वाद दिया आपने? यही आशीर्वाद दिया कि जैसे जनता ने पूरे भगवान राजस्थान ने प्यार दिया, जैसे बेटा उसको जो कुछ समस्या हो उसको मैं भगवान। जिसकी एक झलक के लिए लोग बेताब रहते हो, जिसे बधाई देने के लिए लोगों का तांता लगा, जिसकी उपलब्धि पर भरतपुर के हर घर में दिवाली मनाई जा रही हो, उसका हर्ष और उल्लास छोड़कर यूं अपने आराध्य की शरण में पहुंचना लोगों को भाव विभोर कर गया। उन्हें आध्यात्मिक सुख दे गया। 16वीं विधानसभा के लिए विधायक दल के नेता चुने जाने के एक दिन बाद सांगानेर से विधायक भजन लाल शर्मा अपने विधानसभा क्षेत्र सांगानेर पहुंचे और सांगानेर के सम्राट कहे जाने वाले सांगा बाबा के मंदिर में पहुंचकर
पूजा अर्चना की। सीएम भजन लाल जी जब उनको टिकट मिली तो सबसे पहले भजन लाल जी ने श्री सांगा बाबा की ही शरण ली, अर्थात सांगा नेर के राजा जी श्री सांगा बाबा के श्री चरणों में भजन लाल जी ने अपना शीश झुकाया और इनसे ये निवेदन किया कि प्रभु आप इस नगरी के राजा हैं, हम आपके श्री चरणों में आए हैं। जैसे राजा मानसिंह जी की आपने लाज रखी, उनको विजयश्री का वरण करवाया, उसी तरह से आप हमारी लाज रखिए और विजयश्री का वरण करवाइए। आज देखिए भजन लाल जी राजस्थान सरकार में मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हैं। दिलचस्प बात यह है कि मुख्यमंत्री मनोनीत किए जाने से पहले भजन लाल शर्मा का मुख्यमंत्री की रेस में नाम तक नहीं सुना गया था। अटकलों में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, बाबा बालकनाथ, दिया कुमारी, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जैसे तमाम दिग्गज के नाम शामिल थे, लेकिन दौड़ में विजयी वही हुआ जिसके नाम की दूर दूर तक कोई चर्चा नहीं थी। लेकिन ये ईश्वर है जिसकी कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। चरण कमल बंदों हरी राई, जाकी कृपा पंगु गिरी लंघे, अंधे को सब कछु दर्शाए, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई। कौन है सांगा बाबा जिनके द्वार पर सबसे पहले हाजिरी देने पहुंचे मुख्यमंत्री भजन लाल? क्या है भजन लाल का सांगा बाबा से स्पिरिचुअल कनेक्शन? बताएंगे आपको। बस बने रहिए न्यूज 18 राजस्थान के साथ, देखते रहिए मुख्यमंत्री। दरअसल सांगा बाबा को सांगानेर का सम्राट कहा जाता है। सांगानेर नगरी में करीब 511 साल पुराना सांगा बाबा का मंदिर है, जहां बड़ी संख्या में भक्त पहुंचते हैं, बाबा के आशीर्वाद से अपनी बिगड़ी बनाते हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। सांगा नेरो सांगो बाबो, जयपुर रो हनुमान, आमेर शीला माता लायो बाबो मान। जी हाँ, सांगानेर के सांगा बाबा मंदिर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ मैं इस मंदिर के बारे में आपको बताऊंगी कि आखिर ये मंदिर का इतिहास क्या है, कितना प्राचीन मंदिर ये है। और राजस्थान के सीएम यानी कि भजन लाल शर्मा का भी इस मंदिर से बेहद खास जुड़ाव माना जाता है। जैसे ही वो सीएम बने, सबसे पहले सांगा बाबा के मंदिर में वो पहुंचे थे। तो चलिए मैं आपको सीधे लिए चलूंगी मंदिर के अंदर और मंदिर के इतिहास और तथ्यों के बारे में आज जानेंगे कि कितना प्राचीन मंदिर ये है। आप देखिए जो सिंदूर चोला जो चढ़ा हुआ है, ये प्रमुख प्रतिष्ठा है श्री सांगा बाबा की, जो मानसिंह जी महाराज ने की थी काबुल फतेह के बाद। अर्थात मानसिंह जी ने जो काबुल फतेह किया वो मान ने नहीं, श्री सांगा बाबा ने किया। अब थोड़ा सांगा बाबा के इतिहास से परिचित हो लेते हैं। सांगा जी आमेर के राजा पृथ्वीराज सिंह के 19 पुत्रों में से एक थे। उन्होंने आमेर से अलग राज्य सांगानेर बसाया, उन्हीं के नाम पर कस्बे का नाम सांगानेर पड़ा। राजा सांगा जी अत्यंत पराक्रमी और वीर थे। पुजारी जी बताते हैं कि सांगा जी महाराज आमेर की तरफ से काबुल की तरफ युद्ध में गए थे। रणभूमि में लड़ते लड़ते राजा सांगा का शीश कट गया, लेकिन धड़ से अलग नहीं हुआ। राजा सांगा लड़ते रहे और विजय श्री को प्राप्त करने के बाद यशस्वी देवता यानी भौम्या राजा हो गए। कुछ वर्षों के बाद सांगा बाबा के वंश में जन्म लेने वाले राजा मानसिंह अकबर की तरफ से काबुल फतेह के लिए रण में गए। कहा जाता है कि स्वप्न में राजा मानसिंह जी को भौम्या राजा सांगा बाबा ने दर्शन देकर उनसे सांगानेर चलने और अपना मंदिर बनवाने की इच्छा जाहिर की। आप देखिए जो सिंदूर चोला जो चढ़ा हुआ है, ये प्रमुख प्रतिष्ठा है श्री सांगा बाबा की, जो मानसिंह जी महाराज ने की थी काबुल फतेह के बाद। अर्थात मानसिंह जी ने जो काबुल फतेह किया वो मान ने नहीं, श्री सांगा बाबा ने किया। मानसिंह जी महाराज ने श्री सांगा बाबा से यही निवेदन किया था युद्ध क्षेत्र में कि हे सांगा बाबा, भैरू जी महाराज, भौम्या जी महाराज, हम आपको तभी मानेंगे जब रण का भौम्या रण में आएगा। अर्थात श्री सांगा बाबा आप रण में आइए खांडे सहित तलवार सहित, और मेरी जो इच्छा है काबुल फतेह के लिए, जो मैं काबुल आया हूं, उस इच्छा को आप पूरा कीजिए। सांगा बाबा ने साक्षात रण में उतरकर मानसिंह जी महाराज की इच्छा पूरी की। मान्यता है कि सांगा बाबा ने अपने पड़पोते राजा मानसिंह को विजय श्री का आशीर्वाद दिया, जिससे मानसिंह ने सिर्फ 1.5 दिन में काबुल पर फतेह हासिल कर ली। बाद में सांगा बाबा ने राजा मानसिंह का ईश्वर से साक्षात्कार करवाया।
मानसिंह जी महाराज को देव दर्शन, मानसिंह जी महाराज को देव दर्शन श्री सांगा बाबा ने जगन्नाथपुरी के अंदर करवाया था, जब मानसिंह जी ने इनके खड़ग और खांडे अर्थात तलवार को समुंदर में धोया तो पूरा समुंदर खून से रक्त से लाल हो गया और श्री सांगा बाबा नीले घोड़े पर निकल के अपने देव दर्शन पंच पीरों सहित मानसिंह जी को कराया। सांगा बाबा के दर्शन से तीन लोगों के दर्शन का पुण्य प्राप्त होता है, यहाँ आने वाला कभी निराश नहीं लौटता। हम कई वर्षों से यहाँ पे आ रहे हैं, बाबा को जो भी निवेदन करते हैं वो हमारे को इच्छा पूर्ति होती है। सांगा बाबा मैं बचपन से आ रहा हूँ यहाँ पे और मेरे पे तो बहुत कृपा रही सांगा बाबा की, मैंने जो मांगा है सब कुछ दिया है सांगा बाबा ने, कभी कोई कमी नहीं रखी। पुजारी जी बताते हैं कि सांगानेर बाबा की नगरी है, इनकी मर्जी के बिना यहाँ पत्ता भी नहीं हिलता। यही वजह है कि जैसे ही भजन लाल जी को टिकट मिली उन्होंने सबसे पहले बाबा की शरण ली और माथा टेक कर उनसे विजय की गुहार लगाई। राजा मान की जैसे सांगा बाबा ने मनोकामना पूरी की, उसी तरह से भजन लाल जी की भी इच्छा को अभिलाषा को सांगा बाबा ने पूरा किया। मान्यता है कि आज भी सांगानेर के निवासियों पर बाबा की कृपा बरसती है, बाबा अपने नगर वासियों पर कोई आँच नहीं आने देते। सांगा बाबा की छत्रियों का भी अपने आप में एक इतिहास है, तस्वीरों के जरिए मैं दिखाऊंगी कि ये छत्रियां यहाँ पर मौजूद है और कहा जाता है इन छत्रियों के लिए कि ये राजा मानसिंह ने इसलिए बनवाई थी ताकि रात के समय में बाबा सांगा साक्षात खुद अपनी नगरी को निहार सके, भक्तों को आशीर्वाद दे सके, इसलिए सबसे ऊंची छत्रियां यहाँ बनाई गई। सांगा बाबा की कृपा आज भी उनके भक्तों पर बरस रही है, तभी तो उनके द्वार पर गुहार लगाने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से महिमा जैन की रिपोर्ट। प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा काफी धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, धर्म के प्रति सीएम के शर्मा के निष्ठा की तस्वीरें हमें आए दिन देखने को मिलती हैं। अगर ये कहा जाए कि शेष से विशेष बनने के उनके सफर में श्रद्धा और भक्ति की विशेष भूमिका रही तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस रिपोर्ट में देखिए। गोवर्धन पर्वत जिसके हर छोटे बड़े पत्थर में श्री कृष्ण का वास है, तभी तो कान्हा गोवर्धन धारी कहलाते हैं। ये पत्थर इतने पावन हैं कि न सिर्फ ब्रिज बल्कि हर सनातनी के यहां इनकी पूजा अर्चना होती है। इस पर्वत पर लोगों का विश्वास इतना अडिग है कि यहां का बच्चा बच्चा आपको पत्थरों पर चरणों के चिन्ह, गौ माता और राधा कृष्ण की छवि तक दिखा देंगे। गोवर्धन पर्वत की महिमा के बखान में रसखान ने लिखा था, पाहन हो तो वही गिरी को जो धरियो कर छत्र पुरंदर कारण। रसखान लिखते हैं कि अगर मुझे पत्थर योनि में मिले तो मैं उसी पर्वत का एक भाग बनूं जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र का गर्व नष्ट करने के लिए अपने हाथ पर छाते की भांति उठा लिया था। गोवर्धन पर्वत को गिरिराज जी के नाम से भी जाना जाता है। गिरिराज जी महाराज से प्रदेश के मुखिया भजनलाल शर्मा का बड़ा गहरा नाता है। देखिए वो लंबे समय से गिरिराज जी के भक्त रहे और गिरिराज जी में उनकी इतनी आस्था थी कि अगर एक महीना या 15 दिन उनका निकल जाता था तो वो गिरिराज जी ना आने के कारण विचलित हो जाते थे, चाहे वो चुनावों में बिहार रहे हों चाहे पश्चिम बंगाल में रहे हों, लेकिन किसी भी तरीके से वहाँ से समय निकाल करके गिरिराज जी आना, गिरिराज जी पे श्रीनाथ जी के दर्शन करना, बंदरों के लिए उनका भोग प्रसाद और उनके लिए चढ़वाना लगवाना ये सारा काम करते थे। और गुरु पूर्णिमा पे भंडारा जो वो चलाते थे तो उस भंडारे में सारे अपने कामों को छोड़ करके और 7-8 दिन उस भंडारे में लगातार वहाँ गिरिराज जी पे रहते थे और लोगों की सेवा करते थे वहाँ पे आकर। गिरिराज जी महाराज में भी सीएम भजनलाल की अटूट आस्था रही है। भजनलाल शर्मा की तरक्की में उनकी संगठनात्मक क्षमता, पार्टी के प्रति निष्ठा, कड़ी मेहनत, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से निकटता के अलावा गिरिराज जी की असीम कृपा भी रही है और इसे सीएम खुद स्वीकार करते रहे हैं। के साथ हम सब लोग उनके साथ देते थे परिक्रमा और परिक्रमा देने के बाद गिरिराज जी पे आकर के दूध चढ़ाना, भक्ति करना और आगे के लिए भी वो लगातार कह के जाते थे कि जल्दी ही फिर हम वापस आएंगे और दोबारा से फिर परिक्रमा करेंगे।
तमाम राजनीतिक व्यस्तताओं के बावजूद सीएम भजनलाल शर्मा गिरिराज जी की पूजा अर्चना का समय निकाल ही लेते हैं, अगर ये कहें कि गोवर्धन परिक्रमा उनके सियासी उत्कर्ष की सूत्रधार रही है तो गलत नहीं होगा। बीजेपी अध्यक्ष बनने से पहले जेपी नड्डा जब गोवर्धन परिक्रमा के लिए भरतपुर आते थे तो शर्मा साये की तरह उनके साथ रहते थे। गोवर्धन जी की परिक्रमा के दौरान पनपी मित्रता वक्त के साथ और प्रगाढ़ होती चली गई। इसके बाद वो हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। सीएम साहब, मैं उनसे कम से कम 2005 से जुड़ा था, तब से मेरे को भी वो साथ ले जाते थे और हमेशा जब भी उनको टाइम मिलता, यानी कि 15 दिन हुए और उनको ऐसा लगता था कि मैं अब गिरिराज जी जाऊंगा, हमेशा उनको ऐसा लगा रहता था, तो हमेशा मैं उनके साथ जाता था। लगभग जब भी जैसे जयपुर से आते थे तो वो पहले ही फोन कर देते थे कि अरे यार तू तैयार हो जा और वहाँ चलना है। मालूम पड़ा भाई साहब रात को 9 बजे आए, सुबह दर्शन करके चले गए। उनके मन में एक तरंग सी उठती थी कि शायद गिरिराज जी मुझे याद कर रहे हैं, गिरिराज जी के से मुझे संबल मिलेगा, शक्ति मिलेगी। और यही परिणति आप देखिए कि मुझे वो घटना याद है जब भाई साहब पश्चिम बंगाल में थे और चुनाव में, तो माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी के साथ रात में आए बिल्कुल और परिक्रमा दी बिना किसी सिक्योरिटी के और सुबह वापस पश्चिम बंगाल लौट गई। गिरिराज जी महाराज के प्रति सीएम भजनलाल शर्मा की निष्ठा कईयों को हैरान कर सकती है। तभी तो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद भजनलाल शर्मा मथुरा पहुंच गए, यहां गिरिराज जी महाराज के दर्शन किए, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की और अपने आराध्य से प्रदेश के विकास और उन्नति की कामना की। सीएम भजनलाल शर्मा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर गिरिराज जी महाराज के मंदिर में दर्शन की तस्वीरें भी शेयर की, जिनमें वो विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में अपने भगवान के प्रति एक भक्त की भावना साफ तौर पर महसूस की जा सकती है। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उनके मन में था कि मैं गिरिराज जी कैसे जाऊं, अब निश्चित रूप से उनका प्रोटोकॉल, उनकी व्यस्तता इतनी बढ़ गई है, फिर भी वो जैसे ही समय मिला रात को 8:15 बजे प्रोग्राम बनाया और सुबह गिरिराज जी के दर्शन के लिए आए। उनके मन में ये रहता था और एक उनकी एक सबसे बड़ी विशेषता थी कि वो गिरिराज जी जाते थे तो अपनी पूरी जो कार्यकर्ताओं की टीम थी सबको साथ लेके जाते थे कि सब लोग चलो दर्शन करके आओ। सिर्फ भजनलाल ही नहीं, उनके परिवार की भी गिरिराज जी महाराज में गहरी आस्था रही है। वो अक्सर इस मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं। राजस्थान चुनाव के दौरान भी भजनलाल शर्मा यहां हाजिरी लगाने पहुंचे थे। राधे कृष्ण के प्रति सीएम भजनलाल की भक्ति आश्चर्यचकित करती है। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, देश की राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात के समय सीएम के गले में राधे राधे लिखा दुपट्टा ईश्वर में उनकी आस्था बयां कर गया। भले ही सीएम भजनलाल शर्मा ने सत्ता की कामना से भगवान की साधना आराधना ना की हो, लेकिन एक सच ये भी है कि भगवान की सेवा निष्फल नहीं होती। सुंदर कांड में श्री राम विभीषण से कहते हैं, जदपि सखा तब इच्छा नहीं, मोर दरसु अमोग जगमाही, अस कही राम तिलक ते ही सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। सीएम भजनलाल शर्मा की भक्ति दूसरों को भी जड़ों से जोड़ती है, उन्हें पहले से अधिक संवेदनशील और विनीत बनाती है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए भरतपुर से दीपक पुरी की रिपोर्ट। तो वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का सत्ता की देवी कही जाने वाली बांसवाड़ा की त्रिपुर सुंदरी मंदिर से भी बड़ा गहरा नाता है। इस रिपोर्ट में देखिए, ये वो दर है जहाँ हर मुराद पर मुहर लगती है। जी हाँ, यूँ तो भक्तों के मन की मुराद पूरी करने वाले आस्था के कई स्थानों के बारे में आप सुनते आए होंगे, लेकिन ये वो शक्तिपीठ है जिसकी ख्याति सत्ता का सुख देने वाली देवी के रूप में विख्यात है। बांसवाड़ा जिले में स्थित त्रिपुर सुंदरी माता का ये वो मंदिर है जो राजनेताओं की संकट मोचक देवी के रूप में जानी जाती है। यह माँ त्रिपुर सुंदरी साम्राज्य को प्रदान करने वाली है, इसलिए ही साम्राज्य के इच्छुक जितने भी नेत्रीगण हैं
वह यहाँ पर माँ के पास में अपनी प्रार्थना करते हैं और सभी मनोकामना के लिए अपने भाव को प्रकट करती हैं। इस शक्तिपीठ के प्रति सिर्फ स्थानीय श्रद्धालु ही नहीं बल्कि विशिष्ट और अति विशिष्ट जनों की भी आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात सहित पूरे देश के कई सियासी दिग्गज यहां अपनी मन्नतों की झोली लिए आते हैं और आश्वस्त करने वाली माँ की मुस्कान लिए लौटते हैं। परमात्मा भी यही कहता है कि जिसने श्रेष्ठ कर्म किया है वही उस साम्राज्य को प्राप्त करता है। तो निश्चित रूप से, और भगवती ने कहा दुर्गा सप्तमी में, भ्रष्ट राजा पराजिता, यानी जो भी भ्रष्ट होगा वो पराजित होगा, निश्चित बात है, उसमें कोई संदेह नहीं है, न संशय। माँ त्रिपुर सुंदरी के इस मंदिर से प्रदेश के मुखिया भजन लाल का गहरा आध्यात्मिक नाता है। दावा किया जा रहा है कि भजन लाल शर्मा 3 बार सत्ता वाली देवी के दरबार में हाजिरी लगा चुके हैं। राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा बांसवाड़ा जिले के दौरे पे अपने कार्यकाल में प्रदेश महामंत्री एवं राजस्थान के मुख्यमंत्री के दायित्व मिलने के पूर्व 3 बार जिले के दौरे पे आ चुके हैं। सर्वप्रथम माँ त्रिपुरा सुंदरी के दर्शन करने हेतु अपने परिवार सहित पधारे थे। उसके पश्चात रंगमंच में कार्यकर्ता सम्मेलन में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा एवं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक जी परनामी पहुंचे थे। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी कार्यालय का नया भवन का पंजीयन करवाने हेतु राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा बांसवाड़ा जिले के दौरे पर थे। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत हरिदेव जोशी की माँ त्रिपुर सुंदरी में गहरी आस्था थी। वे माता के अनन्य भक्त थे। वे अपने गृह अंचल की हर यात्रा की शुरुआत माँ त्रिपुर सुंदरी के मंदिर में जाकर ही करते थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की इच्छा के विपरीत मुख्यमंत्री और 3 राज्यों के राज्यपाल पद पर आसीन होने को माँ त्रिपुर सुंदरी की कृपा ही माना गया। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट माता के चरणों में धोक लगा चुके हैं। मान्यता है कि इस मंदिर में जिसने भी सच्चे भाव से अपनी मन्नत मांगी उसने देश और राज्य में राज किया। न्यूज 18 राजस्थान के लिए बांसवाड़ा से आकाश सेठिया की रिपोर्ट। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।